सिटी हलचल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक सौहार्द के प्रतीक संभल जनपद के चंदौसी में लगने वाले गणेश चतुर्थी मेले की अपनी एक अनूठी पहचान है। मेले में आपको गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलेगी। चंदौसी ही नहीं या आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु मेला देखने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने आते हैं। सिटी हलचल की टीम ने मेले में पहुंचकर मेले में आए मेलार्थियों से सीधी बात की और उनसे मेले की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। क्या कुछ बोले मेले में आए भक्त, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मेला गणेश चौथ में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ मेले में दुकानें लगी हुई। दो साल कोरोना काल की पाबंदी के बावजूद ये फिर एक अवसर आया है जो यहाँ मेला लग रहा है, धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दो साल कोरोना काल के बाद मेले में आए हैं, कैसा उत्साह है, कैसा उमंग है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? साक्षी। एकांची, मेले में आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। क्या क्या देखा आपने मेले में, क्या लाइक किया आपने? झूला। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा ऐसा ही मेला लगे। तो उन्होंने कहा कि हमेशा मेला ऐसे ही बना रहे। हमारे साथ एक और गृहिणी है, महिलाएं, उनसे जानकारी करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उनसे कर। आपका क्या नाम है? राधा। राधा, कहाँ की रहने वाली है? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, मेला गणेश चौथ में आप आई हैं, दो साल कोरोना काल की पाबंदी के बाद पुनः रौनक लौटी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कैसी व्यवस्था है प्रशासन की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या आपने क्या पसंद किया मेले में आए? मेले में तो सब कुछ पसंद ही है, इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। इन्होंने कहा कि मेले में सब कुछ अच्छा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। अब ये जो हमारे साथ दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे ये जानकारी करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मोनू। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद के। आप दो साल के बाद मेले में दुकान लेकर आए, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार मेले से, ये बता सके? आपको क्या उम्मीदें हैं मेले से? अच्छी उम्मीद है। इन्होंने बताया कि इस साल कोरोना काल के बाद जब मेला लगा है तो इन्हें बहुत व्यापार की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आस्था है लोगों की मेले के प्रति। और मैं कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कराऊंगा। प्रशासन के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लोगों की मेले में है। हमारे साथ कुछ गृहिणी है, उनसे जानकारी करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेले की भीड़ दिखाएं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रेणु माहेश्वरी। रेणु माहेश्वरी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? चंदौसी। अच्छा, चंदौसी की रहने वाली हैं। दो साल के बाद पुनः चंदौसी में मेले की रौनक लौटी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। अब दो साल बाद आए हैं, ओपनिंग हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था है प्रशासन की आपकी नज़र में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसी हमेशा होती है वैसी ही है, बढ़िया। अच्छा, मेले में क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? अभी देख ही रहे, जो पसंद आता है वही ले लेते हैं। अच्छा, छोटा बच्चा है हमारे साथ, उससे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? श्रेयस। श्रेयस, मेले में आए हैं, क्या एंजॉय किया आपने? अभी देख रहे हैं। देख रहे हैं। आइसक्रीम खाई? आइसक्रीम खाएंगे। झूला झूलेंगे? हाँ। तो छोटे बच्चों को भी ये पसंद आ रहा है, झूले हैं, उत्साह है, आस्था है, उमंग है। हमारे साथ एक और मौजूद है महिला, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खाएंगे। झूला झूलेंगे? हाँ। तो छोटे बच्चों को भी ये पसंद आ रहा है, झूले हैं, उत्साह है, आस्था है, उमंग है। हमारे साथ एक और मौजूद है महिला, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। जी, कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली हूँ। चंदौसी की। हाँ। मेले में आए हैं आप, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है मेले में? मेला तो अच्छा है। मेला अच्छा है। प्रशासन की पुलिस की व्यवस्था कैसी है? हाँ, वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है। आप बच्चों के साथ आए, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं इसमें? बच्चे खिलौने पसंद करें, खिलौने भी अच्छे अच्छे खिलौने पसंद कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि बच्चे खिलौने पसंद कर रहे हैं, आस्था है, उमंग है, तरंग है और मेले की रौनक है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ दुकानों की रौनक दिखाएं। हमारे साथ दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करूंगा, वो कहाँ के रहने वाले हैं, दुकान में दुकान लेकर आए हैं, कैसे में। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बाजिद। बाजिद भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? सहसबान के। आप मेले में आए हैं, दुकान लेकर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार मेले से? जी, दवाई में ढकी नहीं चल रही है। अच्छा, अभी नहीं है कुछ? नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो इन्होंने बताया कि मेले में उमंग है, लोगों की भीड़ आ रही है, लोग बराबर मेले में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भैया, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? लवकुश उपाध्याय। लवकुश, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गणेश कॉलोनी। गणेश कॉलोनी के। आप मेले में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। क्या एंजॉय किया आपने मेले में? अभी तक हमने सब झूले झूले, अच्छा लगा। तीन साल बाद। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है मेले में? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, अब इतना पब्लिक पर जोर भी नहीं।
नहीं कर सकते लेकिन सही। अच्छा, जो मेला कमेटी है उन्होंने व्यवस्था आपको कैसी लगी उनकी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? श्रद्धा बाघ। श्रद्धा जी, आप मेले में आए हो, दो साल कोरोना काल के बाद मेला लगा है और रौनक लौटी है, आप आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या एंजॉय किया आपने मेले में? अभी झूले झूले हैं, अब कुछ खाने की तरफ भी जाना है। खाने की तरफ जाना है, खाने को एंजॉय करेंगे। तो श्रद्धा ने बताया कि मेले में आए हैं, झूले एंजॉय करेंगे, कुछ खाने की चीज एंजॉय करेंगे और मेले में मस्ती करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मोहित भारद्वाज, चंदोसी संभल, सिटी हलचल।